एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंस तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम सी की यूज ऑन सोशल स्टार्टिफिकेशन तो इसको मिस नहीं करना डू वॉज टिल दी एंड काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये जो मेरे रेगुलर वॉचर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स उनको जिन्हें अटेंड करी हैं क्लासेज उनको ऑलरेडी पता है इसके बारे में सब कुछ उनके लिए तो बेनिफिल होगा ही बट वो स्टूडेंट्स जो आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के एंड ऑलमोस्ट सारे रिलिवेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी आपको पता चलेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मेरा यू कैन ऑल्सो मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दीज एम जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा मैं अपनी चैनल पे सुपरवाइजर एग्जाम के फिलहाल दो कोर्सेज करवा रही हूँ एक आपका स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है एंड एक आपका जी वाला पार्ट है दोनों की सेपरेट प्ले आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी स्पेशलाइजेशन में हमारा यूनिट फोर जो है उसका एक चैप्टर रहता है फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फाइव एंड जब तक आपका यूनिट फाइव कंप्लीट होता है तब तक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको स्कीम्स का पीडीएफ भी सारा अपलोड करके आ, ये दे दूंगी तो अब स्कीम्स में हम सिर्फ एम सी क्यू वीडियोज डिस्कस करेंगे ठीक इन कंसेप्चुअल उसमें कुछ है नहीं तो सेपरेट वीडियोज लाने की उसमें कोई जरूरत नहीं है ठीक है अगर आपको मेरी टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा वहाँ लिंक मिलेगी वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ सारा आपके रिलिवेंट मटेरियल जो है मैं वहीं अपलोड करती हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एम सी क्यूज ऑन सोशल स्टार्टिफिकेशन अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या पसंद आ रहा है एंड क्या पसंद नहीं आ रहा है अगर आपको कोई डाउट है मेरे क्वेश्चन uh, या कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट किया है डाउट्स के रिगार्डिंग तो वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे डाउट्स आपके हैं सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस होंगे मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कुछ आपने पोस्ट किए हैं ठीक है उनपे मैं वीडियो में सेपरेटली बात करूंगी कॉमेंट सेक्शन में आपको उनका रिप्लाई नहीं मिलेगा तो दिस इज मी कुरत मलिक करण क्रंच ठीक है तो ये वीडियो जो है ये आपको फ्री में मिलेंगे टेस्ट सीरीज भी सब कुछ फ्री है सो इफ यू वांट अगर आप चाहते हैं आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं जब वो कमेंट सेक्शन में हार्ट के अंदर वो डॉलर साइन जैसा दिखता है दैट इज सुपर थैंक्स तो स्टार्ट करते हैं

डिफरेंसेज आर ठीक है तो आपको क्या करना है जो नहीं चैप्टर पढ़े हैं क्वेश्चन के बाद पॉज करना है वीडियो एंड आंसर करना है फिर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन सोशली स्टार्टिफाइड सोसाइटी डिफरेंसेज आर अब देखो होता क्या है आपको डिफरेंसेज जो है सोसाइटी में काफी आपको मिल जाएंगी ठीक है वो डिफरेंसेस नेचुरल भी होती है एंड मैन मेड भी होती है

इवेलुएट करना शुरू कर देती है इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियरिटी वो बोलती है एक सेक्स जो है वो सुपीरियर है एंड दूसरा जो है वो इन्फीरियर सेक्स है वो आपका इन्फीरियर है ठीक है तो जब ये सारी चीजें आप इवेलुएट करने लगते हो इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी तो ही आपका जो सोशल सर्टिफिकेशन है वो आता है वो सामने आता है ठीक है वो रिजल्ट होता है इन टू सोशल सर्टिफिकेशन जब आप इवेलुएट करते हो किन्नी भी डिफरेंसेस को इन टर्म्स ऑफ सुपिरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी ठीक है तो सोशली सर्टिफाइड सोसाइटी में जो डिफरेंसेज हैं दे आर मैन मेड नेचुरल नहीं है बोथ भी नहीं आएगा नॉन भी नहीं आएगा इट्स मैन मेड सोसाइटी रैंक इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी और इनफीरियोरिटी हायर और लोअर वेयर ईच कॉम्पोनेंट इज प्लेस्ड वन अबाउट द अदर इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं इस सब चीजों में हमने क्या पढ़ा है सोशल सर्टिफिकेशन टर्म में हायर ये बेसिकली हायर की ही डेफिनेशन है हायर आरकी क्या होता है आप चीजों को रैंक करना शुरू आपने इवेलुएट किया ठीक है अब इवेलुएशन के बाद क्या करोगे अब रैंकिंग अब रैंकिंग देना शुरू कर दोगे वन अबाउट द अदर आप चीजों को प्लेस करना शुरू करोगे आप गर्ल्स को यहाँ प्लेस करते हो सोसाइटी में एंड बॉयज को यहाँ प्लेस करते हो हो गया वन अबाउट द अदर या अगर डिफरेंट कास्ट ले लो डिफरेंट क्लासेस ले लो तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम हायरिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करना बोलते हैं तो इसका आंसर होगा हायर when social differences no longer remain differences and become inequalities these patterns are understood through the process of ठीक है जब differences सिर्फ differences नहीं रहती है लेकिन आप इनको क्या करते हो inequality बनाते हो कैसे inequality बनाते हो जैसे मैंने अभी आपको explain किया आप किसी को सुपीरियर किसी को इनफीरियर बोलते हो जब आप बोलोगे कि बॉयज हैं वो गर्ल्स से सुपीरियर हैं तो आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सब प्रोसेस अंडर आर क्या है ये हमने पढ़े हैं क्लास में एक है आपका हायर आरकी इन इक्वालिटी सुपीरियोरिटी नहीं ये नहीं है क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन डिविजन रैंकिंग ये भी नहीं है रैंकिंग हायर आरकी प्लेसमेंट ये भी नहीं है इसका आंसर ए है ठीक है पहले डिफ्रेंसिएशन होगी फिर इवेल्युएशन होगी फिर रैंकिंग होगी एंड फिर रिवॉर्डिंग होगा ठीक है अब देखो इसके जो मैंने ये बनाए हैं ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते हैं आपने सारी टर्म्स जो है बारिंग दिस प्लेसमेंट बाकी सारी टर्म्स आपने सोशल सर्टिफिकेशन चैप्टर में पढ़ी होंगी तो इसीलिए इन सारी टर्म्स के मैंने ये बनाए बाकी सारे ऑप्शन ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे अटेम्प्ट करने के टाइम जब आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो ही आप दिमाग ज्यादा अप्लाई करोगे तो होता बेसिकली क्या है होती है पहले चीजों को अलग कर दिया जाता है जैसे सेक्शुअल डिफ्रेंसिएशन मान लो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल स्टार्टिफिकेशन की बॉय गर्ल ठीक है उसके बाद इवेलुएशन होती है आप इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी बोलते हो कौन सुपीरियर है एंड कौन इन्फीरियर है उसके बाद रैंकिंग करोगे आप उनकी दैट मीन्स आप उनको एक हायरिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे यू विल यूल प्ले समेयर वन नंबर पे एंड समवन टू नंबर पे अगर जितने हमारे लेयर्स होंगे उतनी रैंकिंग होगी अगर हमारे कोई बड़ी लेयर्स वाला होगा फॉर एग्जाम्पल कास्ट के बेसिस पे अगर देखेंगे ठीक है तो वहां पे कितनी आएंगी चार रैंकिंग आएंगी अकॉर्डिंगली उसके बाद आप क्या करोगे आप रिवॉर्ड करते हो बॉयज को ज्यादा बेनिफिट मिलता है सोसाइटी में उनके अपनी मर्जी उनकी टाइमिंग घर आने जाने की उनकी पढ़ाई पे कोई लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते पेरेंट्स के थ्रू भी पर लड़कियों पे थोड़ी ज्यादा होती है तो ये जो है, ये जो है है भी पार्ट ऑफ ऑफ सब प्रोसेस सोशल जिस लेवल पे आपको रैंक करके रखा गया है उस हर लेवल का अपना अपना कोई रिवॉर्ड जो है वो उसके साथ अटैच या एसोसिएटेड होगा तो इनको हम बोलते हैं फोर सब प्रोसेस अंडर सोशल स्टार्टिफिकेशन प्रोवाइडेड द इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थियरी ऑफ स्टार्टिफिकेशन ये भी हमने देखा है तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है नहीं. इन्होंने करी है लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट थियरी की बात कर रहे हैं तो वो जो आपकी थियरी है वो आपके कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव वाली थियोरी है और ये जो तीनों है इन्होंने फंक्शनलिस्ट थियरीज की बातें करी है तो इसका आंसर होगा कार्लमार्क्स देखो मार्क्स आप जहां भी ये टर्म्स देखो ना इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन ये सारी आपकी इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और ये सारा जो है कहाँ से जनरेट हुआ है आपके कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से जिसके मेन प्रपाउंडर कौन थे कार्लमार्क्स तो अगर आपको ये सारी चीजें इन डिटेल नहीं भी पता है आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे मैं यहीं पर आपको सारा नहीं बोलूंगी क्योंकि इसके बेसिस पे आगे के क्वेश्चन भी बने हैं तो अगर आपको इन डिटेल ये नहीं पता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन डेप्थ नॉलेज नहीं है लेकिन इतना आप याद रखो जहां पे भी इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म होता है कि वो हर चीज को डिटर्मिन करते हैं कि ये चीज इकोनॉमी की वजह से हो रही है सोसाइटी तो में कॉन्फ्लिक्ट है तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से है जो आपकी फैमिली चल रही है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से चल रही है तो इन्होंने इनको इसीलिए इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है या इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट भी रिडक्शनिस्ट इन्होंने कहा सारी चीजें किसके अराउंड है आपकी इकॉनॉमी के अराउंड सेंटर्ड है तो इकोनॉमी प्रोडक्शन प्रोडक्शन कौन सा वाला ये जो फैक्ट्रीज में आप काम करते हो ये उससे रिलेटेड है प्रोडक्शन तो मींस ऑफ प्रोडक्शन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी ये टर्म्स आप जहां भी देखो ना ये रिलेटेड होंगे हमेशा आपके काल मार्क्स से काल मार्क्स डिवाइडेड सोसाइटी इंटू टू क्लासेस वट आर दे ठीक है आप देखो मर्चेंट्स एंड पेजेंट्स की बात मार्क्स ने नहीं करी थी प्रिमेटिव कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म ये मार्क्स ने बोला था कैपिटलिस्ट क्लास एंड सोशलिस्ट क्लास ये भी इनडायरेक्टली मार्क्स ने टच किया है ये वाला एरिया भी अब देखो ये जो प्रिमेटिव कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म है ये मार्क्स के मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है बस नाम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन खतरनाक लग रहा होगा कुछ भी नहीं है ये बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी है काल मार्क्स ने आपको डिफरेंट स्टेजेस दी थी सोसाइटी की सोसाइटी कैसे डेवलप होती है वन स्टेज स्टेज से हम कैसे दूसरी में जाते हैं तो वो नाम था आपके पहले कम्युनिज्म आया उसके बाद आपके स्लेवरी सिस्टम आ गया स्लेव सोसाइटी एंशियंट सोसाइटी भी बोलते हैं ठीक है फिर आपके आगे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी या फ्यूडलिज्म उसके बाद आ गया आपके कैपिटलिज्म और उन्होंने कहा था जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्ट्रक्चर और कुछ टाइम के लिए आपका आ जाएगा सोसाइटी में सोशलिज्म सोशलिज्म मैंने आपको पॉलिटी में भी बार बार बोला है जहां पे भी, भी सोशलिस्ट टेंडेंसी सोशलिज्म या ऐसी सारी चीजें हैं तो वो बेसिकली क्या होती हैं आपकी जब स्टेट का कंट्रोल होता है रिसोर्सेज पे और जो भी काम होता है आप कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं फैक्ट्रीज होती हैं बैंकिंग वगैरह ये सारा काम स्टेट देखती है और उसके फिर जो प्रॉफिट आता है वो चाहते हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ठीक है ना जहां पे कैपिटलिज्म होता है वहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है तो अगर अंबानी की फैक्ट्री है अपनी अंबानी सारे प्रॉफिट रखेगा अब अगर अंबानी की फैक्ट्री स्टेट के पास होती स्टेट कंट्रोल्ड होती तो वो क्या करते जो बेनिफिट वहां से आते वो लोगों में इक्वली डिवाइड करते ठीक है ये इसका बेसिक फंड है फिर रियालिटी डिफरेंट है प्रैक्टिकली क्या होता है वो अलग चीज है ये हो गया आपका सोशलिज्म फिर उन्होंने कहा था ये स्टेजेस थी पहले आ गया आपका एक सेकेंड ये हाँ, पहले प्रिटिव कम्युनिज्म आ गया फिर आगे आपकी आपकी स्लेव सोसाइटी फिर फ्यूडलिज्म फिर कैपिटलिज्म फिर सोशलिज्म जैसे स्टेट का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा आपके पास फाइनली कौन सा कम्युनिज्म आ जाएगा एडवांस्ड कम्युनिज्म तो ये इन्होंने कहा था एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऐसे होगी इन स्टेजेस में होगी तो ये सिक्स स्टेजेस जो है मार्क्स ने दी थी ठीक है अगर आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है काल मार्क्स की स्टेजेस का वहां पे प्रमेटिव के बाद स्लेव फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म और सीधे कम्युनिज्म लिखा होगा दैट इज आल्सो ओके इसको सोशलिज्म को अगर उन्हें स्किप किया होगा वो भी ठीक है ठीक है तो आप उस चांस में भी उस केस में भी आप काल मार्क्स ही लिखोगे क्योंकि कई बुक्स पे सोशलिज्म ऐसे एज अ स्टेज जो उन्हें दी थी वो प्रॉपरली मैंशन नहीं होता है ठीक है अब जिस इंसान ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए क्योंकि प्रमेटिव कम्युनिज्म कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट क्लास 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 सोशलिस्टिक ऑल सोशलिस्ट ने टर्म नहीं यूज किया था सोशलिज्म के साथ बट ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इसीलिए रखे हैं ताकि बच्चे थोड़ा इस बारे में सोचें और कंफ्यूज होने के चांसेज उनके ज्यादा हों पहले हम ये इेज करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा आपका बरजुआ एंड क्रॉलिटेरियट्स तो उन्होंने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया था एक थे आपके बरजुआ जो कौन से होते हैं आपके जो आपके फैक्ट्री ओनर्स होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कैपिटलिस्ट और प्रोलिटेरियट्स कौन सी क्लास है आपकी लेबर्स जो वहां पे काम करती है इसका और एक टर्म भी है जो उसको यूज किया है काल मार्क से पर वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी क्योंकि उसका कहीं आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा फंक्शनल थियरी ऑफ स्टार्टिफिकेशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय डेविस एंड मूरे मेलविन ट्यूमन इमाइल दरखेम और माइकल यंग माइकल यंग नहीं है वो हमने यहाँ नहीं पढ़ा है स्टेटिफिकेशन में भी कहीं दुरखेम के कोई एज एन कोर कॉन्सेप्ट नहीं है वो भी हमने नहीं पढ़े अब हमारे पास में दो नाम आते हैं डेविस मूरे एंड मेलवेंट ट्यूमेन ठीक है इसका आंसर ए है डेविस मूरे किंसली डेविस एंड विलबर्ट मूरे ठीक है तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन क्या होता है जैसे हमने बोला आपको मैंने आपको कहा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव था कार्ल मार्क्स का वो क्या कहते थे इकोनॉमी से रिलेट उन्हें सब कुछ किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इस वजह से आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है प्राइवेट ओनरशिप है वो सारा वेल्थ एक्ूमुलेट कर लेते हैं गरीबों के लिए कुछ नहीं रहता है फंक्शनलिस्ट थियोरी उसका उल्टा है ये बेसिकली आपको हर सोसाइटी का हर एस्पेक्ट कहते हैं कितना फंक्शनल है ये कहते हैं क्राइम सर्टेन अमाउंट ऑफ क्राइम वो भी फंक्शनल है सोसाइटी के लिए रिलीजन भी फंक्शनल है सोसाइटी के लिए फैमिली भी है तो हर चीज को फंक्शनल परस्पेक्टिव में देखते हैं ठीक है और ये कहते हैं सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी सोसाइटी को काम कराने के लिए ये फंक्शनिज्म का बेसिक है अब जो फंक्शनल थियोरी ऑफ स्टार्टिफिकेशन आएगा इतना तो एविडेंट है ना इसमें कि इन्होंने स्टार्टिफिकेशन की तारीफ की होगी ठीक है अब उसकी काफी इम्पोर्टेंट थियोरी पुट फॉर्व की थी डेविसेन मोरे ने इन हिज वर्क कॉल्ड सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन ये लिख लो है नाम सम of ऑफ stratification ठीक है उसमें इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा कुछ पोजिशंस होती है सोसाइटी में सम पोजिशंस दे आर मोर इंपॉर्टेंट ठीक है और उन जो पोजिशन हैं या पोस्ट हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको टैलेंटेड लोग चाहिए जो कि दुनिया में कम है तो सर्टिफिकेशन क्या करता है ये इफेक्टिव रोल मैकेनिज्म इसको बोलते हैं इफेक्टिव रोल एलोकेशन ये उन इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस है उनमें एलोकेट करवाता है टैलेंटेड लोगों को मतलब सर्टिफिकेशन के थ्रू जो टैलेंटेड लोग दुनिया में कम है उनको प्लेस करता है उन इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे उन इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स पे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे हो सुपरवाइजर एग्जाम ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है सोसाइटी की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पोस्ट है इंपॉर्टेंट पोस्ट है फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए तो इसमें क्या होता है लैक्स फॉर्म भरते हैं कुछ लाख फॉर्म भरेंगे एंड कुछ थाउजेंड फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट पोजिशन है जिसके लिए कुछ टैलेंटेड लोगों की जरूरत है ठीक है तो अब क्या होगा आप सारे मेहनत करोगे सारे पढ़ोगे अब सारे नहीं जितने लोग सिलेक्ट होने वाले होंगे उतने तो सीरियसली मेहनत कर ही रहे होंगे तो क्या हो जाएगा जब आप मेहनत करोगे उन लैक्स में से थाउजेंड्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे अब जो सिलेक्ट हुए हैं उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी रैंक करेगी ऊपर वाले ऑर्डर में और जो अभी नहीं सिलेक्ट हुए हैं चाहे उनको कितनी भी सामने सहानुभूति मिली मिलेगी कि कोई बात नहीं इट्स ओके वगैरह वो है, पर पीठ पीछे सारे फिर यही बातें करेंगे इतने टाइम से पढ़ रहे लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ तो उनको एक लोअर रैंक दी जाएगी सोसाइटी की तरफ से उनको थोड़ा इन्फीरियर फील कराया जाएगा जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको सुपीरियर फील कराया जाएगा तो ये है आपका उन्होंने डिफाइन किया था इस सार्टिफिकेशन से होता है तो बेसिकली सर्टिफिकेशन गलत नहीं है अगर आपको थोड़ा सुपीरियर और इन्फीरियर फील कराया जाता है ये इसलिए है क्योंकि आपने अपनी मेहनत से हासिल की है एक पोस्ट सोसाइटी में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई भी इंसान उठ के बैठ नहीं सकता है एग्जाम्स क्यों होते हैं सुपरवाइजर का एग्जाम क्यों है अदरवाइज गवर्नमेंट किसी को भी मर्जी लगाए ठीक है क्योंकि एक फंक्शनली इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए कुछ टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है उन टैलेंटेड लोगों का एग्जाम होगा और उस एग्जाम के थ्रू कुछ लोग सिर्फ सिलेक्ट हो जाएंगे तो बेसिकली स्टार्टिफिकेशन क्या कर रहा है सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है कुछ सुपीरियर लोग जो सिलेक्ट हो गए और इन्फीरियर लोग जो रह गए उसमें ठीक है तो ऐसे जो स्टार्टिफिकेशन है वो रिवॉर्ड देता है आपको क्योंकि इस पोस्ट के साथ आपको रिवॉर्ड अटैच है आप जब सिलेक्ट हो जाओगे आपके पास नेम भी आएगा फेम भी आएगा ठीक है स्टेटस भी आएगा सारी चीजें आएंगी पैसा भी आएगा तो ये सारे रिवॉर्ड्स हैं जो अटैच हैं इस पोस्ट के साथ और ये सारा जो है एक्चुअली क्या है ये स्ट्रटिफिकेशन ही तो हो रही है आप सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो इन लाख लोगों को आप डिवाइड कर रहे हो जिन्हें फॉर्म भरे थे सुपरवाइजर सिलेक्टिव में और नॉन सिलेक्टिव में जो सिलेक्ट नहीं हुए तो स्ट्रटिफिकेशन से अब क्या हो रहा है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं क्योंकि वो लोग वो डिजर्व करते थे उनमें वो मेरिट था ठीक है ये बात अब मैं आपको एक्साम्पल से क्यों अभी समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये डेविजन मूरे का कहने का मतलब था इफेक्टिव रोल एलोकेशन जो है ये की है जो इन्होंने यूज किया है अपनी बुक में कि स्टार्टिफिकेशन से इफेक्टिव रोल एलोकेशन होती है वो इफेक्टिव रोल एलोकेशन क्या है वो मैंने आपको बताया अब इन मेरी बातों को आप दिल पे नहीं लेना कि हम क्यों इन फेयर वगैरह वो आई अंडरस्टैंड लक का फैक्टर होता है बहुत सारी चीजें होती हैं सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट होने में पर ये बस एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था अदरवाइज सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करके कोई सुपीरियर नहीं बनता है किसी से

कास्ट को छोड़ के क्लास स्टेटस एंड पार्टी ये किसने कहा था वेबर ने ठीक तो आ, इनने क्या कहा था टीबी बॉटम बोर्ड ने स्लेवरी सिस्टम स्टेट सिस्टम कास्ट सिस्टम एंड सोशल क्लास तो स्लेवरी सिस्टम कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था आपका यूरोप से बेसिकली जहाँ पे एक तो आपके सिटीजन थे जिनको सारे राइट्स मिलते थे एंड आपके दूसरे कौन से थे स्लेव्स ठीक है जिनके अपने कोई खुद के राइट्स वगैरह नहीं होते थे एस्टेट सिस्टम भी यूरोप का ही था यहाँ का आप समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम तो इसमें सोसाइटी को तीन स्टेट्स में डिवाइड करते थे टॉप पे आपके क्लर्जी आते थे देन आपके फ्यूडल लॉर्ड्स या इनको नोबल्स भी बोलते थे नोबिलिटी एंड बॉटम आपके कॉमनर्स थे ठीक है तो फ्यूडल लॉर्ड्स में क्लर्जी आपके प्रीस्ट वगैरह होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे यहाँ के जमींदार वैसी क्लासेस प्लस नोबल्स जो उनके वॉरियर्स वगैरह होते थे वैसी वाली क्लासेस सेकंड कैटेगरी में आती थी एंड थर्ड में आपके कॉमन लोग आते थे तो यहाँ पे भी जो कॉमनर्स की कंडीशन है वो बहुत बुरी थी ठीक है तो ऐसे करके भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था कास्ट का इन्होंने यही इंडियन कास्ट सिस्टम की एग्जाम्पल दी थी जिसमें हमें पता है चार क्लासेस में डिवाइड होती है सोसाइटी ब्राह्मण्स आपके ब्राह्मण्स क्षेत्रियाज शूद्रास एंड सोशल क्लास सोशल क्लास में इन्होंने कहा था ये जो क्लास है बेसिकली यूनिवर्सल है आपको हर जगह एक या दूसरे फॉर्म में इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी तो ये उनके चार टाइप से सोशल सर्टिफिकेशन के स्लेवरी सिस्टम स्टेट सिस्टम कास्ट सिस्टम एंड सोशल क्लास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग फंक्शनल थियरी ऑफ सर्टिफिकेशन बाय डेविस एंड मोरे अब मैंने आपको डेविस एंड मोरे की एक्सप्लेन करी अब जिनको अभी तक ये नहीं पता था उनको क्लियर हुआ होगा ये क्या है अब उसके बेसिस पे आप देखो इसमें से कौन कौन सा आंसर करेक्ट है स्ट्राटा इन सोसाइटी एग्जिस्ट ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशियल रिवॉर्ड ये मैंने कहा हर पोजिशन के साथ कोई अलग रिवॉर्ड होगा सेम पोजिशन समीशन आर फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जैसे आपकी सुपरवाइजर पोस्ट है वो फंक्शनली इम्पोर्टेंट होगी कई सारे पोस्ट से तभी इसका एग्जाम भी इतना इन्होंने रखा हुआ है ऐसे इसका ज्यादा सिलेबस रखा हुआ है अब जैसे कोई पोस्ट आएगी वो इतनी ज्यादा फंक्शनली इम्पोर्टेंट नहीं होगी एज पर डेविस एंड मोरे तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी उतना थोड़ा सिंपल होगा स्टिफिकेशन इज इफेक्टिव रोल एलोकेशन मैंने कहा ये इनका की वर्ड ही है स्टेटस on तो की बात इन्होंने कहीं नहीं करी थी इन्होंने किसकी बात की थी अपने टैलेंट की बात इन्होंने कही थी टैलेंट या आप मेरिट बोल सकते हो खासकर टैलेंट टैलेंट वर्ड इन्होंने यूज कराया अपनी बुक में अब इसका आंसर क्या होगा ऑलर करेक्ट नहीं क्योंकि बी डी इसमें गलत है तो उसका सीधे आंसर होगा ए बी सी आर करेक्ट देखो इसमें कहीं कही ना कहीं बी वाला पोर्शन भी सही है एंड सी वाला भी सही है क्योंकि ए बी भी करेक्ट है एंड बी सी भी करेक्ट है लेकिन यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन मोस्ट अप्रोप्रियट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट वन कौन सा है इस केस में एबीसी तीनों करेक्ट हैं। Class, है मार्क द इनकरेक्ट करेक्ट वन क्लास स्टेटस एंड पार्टी अभी मैंने आपको कहा ये किसका कॉन्सेप्ट था मैक्स वेबर का ठीक है तो मैक्स वेबर ने क्या कहा था क्लास एक किसी की सोशल पोजीशन है नो no, ये ने नहीं कहा था स्टेटस को ने लाइफ चांसेस से रिलेट किया था ये भी नहीं एंड पार्टी पोलिटिकल ऑर्डर हाँ ये इन्हें कहा था तो इन्हें कहा था सोसाइटी को बेसिकली हम स्टार्टिफाई करते हैं जैसे मार्क्स ने आपको क्या कहा था स्टार्टिफिकेशन सिर्फ क्लास के बेसिस पे होता है जो डिटर्मन करती है आपकी इकोनॉमी ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो क्लासेस आते हैं बर्थ जो है एंड पॉलिटेरियट ठीक है लेकिन इन्होंने कहा था थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया था मार्क्स से इन्होंने कहा था आपको तीन बेसिस पे आप सोसाइटी को स्टार्टिफाई करते हो क्लास स्टेटस एंड पार्टी एक क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी सिमिलर मार्केट सिचुएशन होती है ठीक है मार्केट हिसाब से जो सेम जिनकी इनकम ग्रुप होगा सिंपल टर्म्स में स्टेटस होते हैं वो लोग जिनका सेम सोशल प्रेस्टीज होता है सोशल एस्टीम होता है जिनका स्टेटस से रिलेटेड है सोशल पोजीशन सोसाइटी की सेम होगी वो एक स्टेटस के लोग होंगे एंड पार्टीज जो जिनका सेम पॉलिटिकल ऑर्डर होगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी इन्होंने कहा था इन तीन के बेसिस पे बे भी सोसाइटी को स्टेटिफाई होता है अब क्लास में और एक बात करी थी कहा था जो लोग सिमिलर मार्केट सिचुएशन के हैं लाइफ उनको सिमिलर चांसेस देती है तो लाइफ चांसेस उनके सेम होते हैं दैट मीन उनको सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम प्रोबेबिलिटी होती है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की तो उसको हम लाइफ चांसेस बोलते हैं ठीक है तो उनके चांसेस सेम होते हैं कि वो अपनी लाइफ को जो है बेटर बना सके बेटर को लाइफ को इम्प्रूव कर सके उस वजह से उनको अब जो अपॉर्चुनिटीज लाइफ देती है सोसाइटी देती है वो सेम होती है हो तो गया लाइफ चांसेस स्टेटस को इन्होंने कहा सोशल एस्टीम एंड सोशल पोजिशन पार्टीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा ए और बी ये मिसमैच हुए हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा मार्क द इनकरेक्ट वंस ए एंड बी आर रॉन्ग ठीक है तो क्वेश्चन ध्यान से देखोगे इनकरेक्ट कहाँ लिखा होगा अगर यहाँ पे करेक्ट लिखा होता तो उस केस में क्या होता सिर्फ सी इसका आंसर होता लेकिन आपको इनकरेक्ट ढूंढना है ये की जरूर देखना क्वेश्चन में मैं आपको हर एम में बोलती हूँ क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जैसे क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं वरना तो वरना क्या है बेसिकली इट इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ब्रॉड फ्रेमवर्क है इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने का तो जो इंडियन सोसाइटी थी वो किस में डिवाइड थी फोर फोल्ड डिविजन था वर्णा सिस्टम बोलते हैं उसको वन टू थ्री फोर पहले आपके ब्राह्मण्स थे फिर एंड शूद्रास और एक कास्ट थे जिसको हम आउटकास्ट या अनटचेबल्स बोलते हैं पर वो आपके फोर फोल्ड डिविजन में नहीं आता था दैट वॉज आउटसाइड द आउटकास्ट या अनटचेबल्स या आपके सो so कॉल दलित जिनको अभी अभी बोलते हो ठीक है तो देवर आउटसाइड द दे वर्ण फ्रेमवर्क तो ये एक हिंदू सोसाइटी का डिविजन कैसे था तो उसमें जो वर्ना है वर्ना का एक्चुअली मीनिंग काफी स्कॉलर्स बोलते हैं कि वर्ना का मीनिंग कहाँ से आता है वर्ना का मीनिंग कलर से आता है ठीक है तो वर्ना मीन्स कलर तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो वर्ना को वो फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी लिख सकते हैं यहाँ पे लेकिन आपको वर्ना का मतलब पूछा गया है वर्ना क्या स्टैंड करता है सोसाइटी में या वर्ना के अकॉर्डिंग क्या है सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो नहीं पूछा है आपको इसका लिटरल मीनिंग पूछा है वर्ड वर्ना का वर्ड वर्ना कहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड वर्ना निकला है मीन्स इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कास्ट सॉरी कलर ठीक है वर्ड कास्ट जो है इट इज राइट फ्रॉम स्पेनिश या पोर्चुगीज वर्ड कास्टा इसका क्या मतलब है ब्रीड और लीनेज ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं सी डी तो मैंने दोनों इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको दोनों वर्ड्स पता चले इसको कहीं पे भी कहीं कहीं पे कास्टा भी लिखा होता है वर्ड इज डिराइड फ्रॉम कहीं पे आपको कास्टा भी लिखा होगा द कास्ट सर्टिफिकेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन द मैंने अभी आपको बोला जो कास्ट सोसाइटी है वो क्या करती है सोसाइटी हिंदू सोसाइटी को क्या करती है वो डिवाइड चार डिविजन में ठीक है ये हमेशा के लिए याद रख लेना ब्राह्मण क्षेत्र शूद्रास चार डिविजन्स तो इसको हम चतुर्वर्ण सिस्टम बोलते हैं ठीक है चतुर शायद फोर होता है हिंदी में ऐसा कुछ तो इसको चतुर्वर्ण सिस्टम बोला जाता है ठीक है तो सेकेंड इज योर आश्रम सिस्टम आश्रम बेसिकली क्या है ये एक लाइफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज होती है ट्रेडिशनल हिंदू लाइफ वो डिटर्मिन करते हैं आपका आश्रम सिस्टम लाइक पहले आप ब्रह्मचार्य फेज में होते हो फिर आप आते हो गृहस्थ फेज में फिर वन प्रस्ता एंड लास्टली सन्यास वाला स्टेज ठीक है 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 तो ऑफ़ लाइफ डिटरमिन करता सिस्टम नहीं इसका पार्ट आपका जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है पर आप ये भी एक चीज याद रख सकते हो कन्यादाना सिस्टम इज रिलेटेड टू तो ए मैरिज ठीक है ये बस मैंने ऑप्शन में ऐड करने के लिए लिखा है मेरिट और कलर थियोरी यहाँ पे कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन तो सबसे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कास्ट सिस्टम है वो देखनी है कास्ट सिस्टम जो है वो आपको एस्क्रिप्टिव स्टेटस देता है एस्क्रिप्टिव तो क्या होता है बेस्ड ऑन बर्थ ठीक है तो जहां भी कास्ट होगा वहां पे एस्क्रिप्शन या एस्क्रिप्टिव ही आंसर होगा हमेशा क्योंकि कास्ट में आप बर्थ के बेसिस पे आते हो आप ब्राह्मण हो क्योंकि आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो आप शूद्र हो क्योंकि आप किसी शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र से आपको अगर ब्राह्मण बनना है वो चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट आई गेस इम्पॉसिबल ही है थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे हो सकते हो शूद्र से वेश्या वेश्या से क्षेत्रीय बट डायरेक्टली आप शूद्र या अनटचेबल से आप ब्राह्मण बन जाओ वो चीज काफी ज्यादा मुश्किल है नेक्स्ट इम्पॉसिबल तो इसीलिए उसमें आपको जो स्टेटस दिया जाता है वो एस्क्रिप्टिवेट इज बेस्ड ऑन योर बर्थ विच आर दॉट ट्रू अबाउट इंडियन कास्ट सिस्टम क्या इंडियन कास्ट सिस्टम ओपन एंड फ्लूड है ओपन एंड फ्लूड वो हुआ जहां मोबिलिटी आसान होगी जो मैं अभी बोल रही थी कि आप शूद्र हो तो आप कोई बात नहीं आप आराम से ब्राह्मण बन सकते हो ऐसा हो सकता है इंडियन कास्ट सिस्टम में नहीं कास्ट एक्सोगी प्रैक्टिस इन इंडिया नहीं यहाँ पे क्या प्रैक्टिस होता है कास्ट एंडी ठीक है ये किसके रिलेटेड है आपके मैरिज के रिलेटेड तो एंडोगी होता है विद इन द ग्रुप जब आप मैरिज करोगे वो आपकी एंडोगी होता है एग्जोगी होता है आउटसाइड ग्रुप आप शादी करते हो ये समझो एक अगर ग्रुप है तो ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आप आउटसाइड ग्रुप से अपना पार्टनर जो है वो लेके आओगे तो इंडिया में क्या होता है कास्ट एंडी फॉलो होती है कि आपको अपनी कास्ट के बिजन शादी करनी है एंड विलेज एक्सोगी होती है अपने गांव के बाहर शादी करनी है सेम गांव से लड़की नहीं ला सकते हो ठीक है गोत्र एक्जोगी अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते ये सारी चीजें हमें आगे एफ एम के जो फैमिली मैरिज किनशिप है वहां पर इनका रिविजन हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स के हमने पढ़े हुए हैं ये यूनिवर्सल है टू no, इंडिया जो आपको क्लास मिल जाएगा यूनिवर्सल हर जगह प्रेजेंट होगा लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो पेक्यूलर टू इंडियन सोसाइटी है वो यूनिक है टू इंडियन सोसाइटी द पॉपुलर इक्विलस्ट इज जाति अब देखो कास्ट टर्म हमने कहा स्पैनिश पोर्चुगीज ऑरिजिन है इसका दैट मीन्स कास्ट वर्ड या कास्ट सिस्टम जो आप बोलते हुए ओरिजिनेट इंडिया से नहीं हुआ हमें इंडिया में लोकली इस टर्म को क्या जाना जाता है एस जाति तो इसका हमें क्या देखना था नॉट ट्रू अबाउट इंडियन कास्ट सिस्टम इसमें क्या, क्या क्या सही नहीं है ए बी सी आंसर है तो इसमें देखो अगर आपको एक चीज पता हो कि डी सही है तो आपका अब ये वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है फिर आपको कास्ट एक्जोग्रामी का भी पता होगा क्योंकि टर्म कास्ट एंडी ये हमने हर जगह यूज करी है कास्ट सिस्टम में भी यूज की थी फैमिली मैरिज चैप्टर में भी यूज की थी तो आपको पता चलना चाहिए कि बी एंड डी जो है दो ऑप्शन में करेक्ट है अगर आपको ए का नहीं भी पता होगा बट बी एंड सी का या बी एंड डी का आपको पता होगा बी एंड डी करेक्ट है तो आप सीधे इसका आंसर सी लिख सकते हो तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं पहले आपको देखना होता है क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो और कौन सा वाला जो है वो श्योर शोर आंसर में वो स्टेटमेंट जो है इंक्लूड होगा तो वैसे करके भी आप अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हो विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लास स्टेटस इज अचीव्ड इट इज एन ओपन ग्रुप इट इज यूनिवर्सल इन नेचर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एन इंडिकेटर तो क्या सही होगा इसमें इस इस अचीवड है ये yes. कास्ट में क्या था एक्सक्रिप्शन बेस्ड तो यहाँ पे क्या होता है अचीवमेंट बेस्ड आप जो मेरिट होता है आपका वो डिटर्मिन करता है आपकी क्लास इट इज एन ओपन ग्रुप अगर आप हाई लो कास्ट क्लास में पैदा हुआ हो सो कॉल्ड लो क्लास में तो अगर आप बाद में अच्छी एजुकेशन हासिल करते हो ठीक है आपका स्टेटस बढ़ता है सोसाइटी में अकॉर्डिंगली आपके पास आपका फाइनेंस इंक्रीज होते हैं आपको अच्छी जॉब मिलती है इन सब चीजों से हाई चांसेस कि आप लो क्लास से हाई क्लास में जा सको तो आप इसको ओपन ग्रुप बोल सकते हो मोबिलिटी फेयरली इजी है इसमें कास्ट सिस्टम में जिसमें कहा शूद्र से ब्राह्मण बनना इज इम्पॉसिबल इट इज यूनिवर्सल इन नेचर जो कास्ट है वो पेक्यूलर है टू इंडियन सोसाइटी वो आपको सिर्फ इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेगा चतुर्वर्ण सिस्टम लेकिन जो क्लास है वो यूनिवर्सल है नेचर में स वो वन फॉर्म और द अदर में आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा तो इसका आंसर क्या होगा ऑल आर करेक्ट अगर यहां पर लिखा होता क्वेश्चन में नॉट ट्रू अबाउट क्लास तो फिर ऑप्शन में कहीं पे ऑल और रॉन्ग लिखा होता तो फिर उसकेस में वो आंसर होता मार्क द करेक्ट वंस जी एस गुरिय ने लिखी थी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया एम एन श्रीनिवास ने लिखी थी एंड डोमिनेंट कास्ट लुई डुमो ने लिखा था होमो जिसमें इन्होंने होमोहार जिसमेंटेंट कॉन्सेप्ट था प्योरिटी एंड पोल्यूशन का वो मैंने वीडियोज में क्लासेज में, क्लासे में एक्सप्लेन किया है आपको लेवी स्टॉन ने दिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी ऑपोजिट तो ये चारों याद कर लेना है चारों सही है ऑल आर करेक्ट क्लास इज अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर रिलेशन टू द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हु सेट दिस मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या कहा जहां पे भी प्रोडक्शन की बात होगी उसका आंसर काल मार्क्स होगा काल मार्क्स ठीक है तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा था क्लास के बारे में ये एक सोशल ग्रुप है और मेंबर्स का सिमिलर रिलेशनशिप है विद द विदोर्स ऑफ प्रोडक्शन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है आपका फोर्सेस ऑफ तो प्रोडक्शन होती है वो चीजें जो आपको प्र... कोई चीजें प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं तो क्या करती हैं इंडस्ट्रीज में क्या होना चाहिए आपके पास लैंड होनी चाहिए आपके पास मशीन्स होनी चाहिए मशीनरी होनी चाहिए ठीक है आपके पास टूल्स होने चाहिए जिनसे आप काम करोगे एंड आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास लेबर होना चाहिए लेबर में क्या आएगा ही होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज तो ये होते हैं आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो आपको हेल्प करते हैं चीजें प्रोड्यूस करने में उसमें आपके ये वाली भी होती हैं मशीनरी वगैरह लैंड वगैरह एंड आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ये सारी चीजें तभी काम आएंगी ना जब इनको लोग इनपे काम करेंगे मशीन वहां बैठे बैठे खुद ही तो नहीं प्रोड्यूस करेंगी चीजें उसका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी इंसान की जरूरत पड़ेगी तो ये सारी चीजें होती हैं फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो मार्क्स ने कहा था आपका क्लास डिटर्मिन करता है कि आपका क्या रिलेशनशिप है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर आप इन फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हो दैट मीन्स आप ओनर हो तो आप क्या हो बर्जुआ कैपिटलिस्ट अंबानी की फैक्ट्री देख लो रिलायंस तो रिलायंस में अगर ये सारे आप फोर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो यहाँ पे एक जगह मशीनरी वगैरह वो सारी चीजें होंगी यहाँ पे जो वहां लोग काम करते हैं तो उन सब चीजों को ओन कौन करता है आपका अंबानी तो अंबानी कैपिटलिस्ट हो गया दूसरी क्लास होगी प्रोलेटेरियट जो वहां पे काम करते हैं ठीक है आपकी लेबर क्लास जो अंबानी इसके लिए काम करते हैं तो इधर यू ओन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और यू आर ओन्ड बाय देम ठीक है तो क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कालमार्क्स से दो ही क्लासेस बोली थी तो ये उनका स्ट्रक्चर है इसको फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं तो इसमें जो ये वाली चीजें लैंड मशीन टूल्स वगैरह इनको मीन ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है ठीक है तो कहने का यहां पे क्या मतलब था एक तो क्लास को इन्हें क्या कहा था एंड सेकेंडली जहां पे भी आप प्रोडक्शन देखो वो किससे रिलेटेड होगा आपके काल मार्क्स से अकॉर्डिंग टू कॉल मार्क्स अ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस इज ऑबटेन्ड ओनली वेन क्लास इन इट सेल्फ इज ट्रांसफॉर्मड इन टू क्लास फॉर इट सेल्फ क्लासेज बेस्ड ऑन वंस रेपुटेशन इन सोसाइटी रेपुटेशन की बात इन्हें नहीं रेपुटेशन वर्ड हमने काल मार्क्स से कहीं रिलेट नहीं किया है हर जगह हमने इकोनॉमी ही रिलेट किया है देर आर वेरियस क्लासेज इन सोसाइटी बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स नहीं मैंने बार बार कहा इन्होंने सिर्फ इनको इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट या इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहा जाता था क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो क्लासेज की बात की थी जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं देर इज नो क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने हर जगह क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है क्योंकि ये जो दो क्लासेस इन्होंने दी थी बर्जो एंड क्रॉलिटेरियस इनके बीच में इनका कहना था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो बरज है वो कोई काम तो करते नहीं खुद काम कौन करता है एंड जो के काम करने से सारा प्रॉफिट आता है वो कौन लेता है एंड जो उनको काफी कम सैलरी मिलती है इस वजह से इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है लेकिन इसने एक बात भी इसमें करी थी एक और बात क्लास कॉन्शियसनेस की इन्होंने क्या कहा था अभी तक मतलब ऐसा ही सेटअप चल रहा है अंबानी आता है ठीक है अंबानी की एग्जाम्पल लेते हैं अंबानी काम करवाता है मजदूरों से लेबर क्लास से

लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगी मतलब वो कॉन्शियस हो जाएंगे उनको पता चलेगा अच्छा हमारी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और हमें बात पता ही नहीं है और जब वो फीलिंग उनके अंदर आएगी फिर वो बनेंगे क्लास फॉर इट्सेल्फ ठीक है और जो क्लास फॉर बनेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे रिवॉल्ट करेंगे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा और जो प्रोलिटेरियन क्लास है वो ओवरथ्रो करेगी कैपिटलिस्ट को उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपका सोशलिस्ट वाली स्टेट आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेट का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा और हम एडवांस्ड कम्युनिज्म स्टेज में आएंगे जो जो क्या होती है सोसाइटी जो एक क्लासलेस इगैलेटेरियन क्वल सोसाइटी सोसाइटी होगी जिसमें कोई किसी के नीचे नहीं होगा कोई इन इक्वालिटी टाइप की एक्सप्लाइटेशन वहां नहीं होगी ठीक है तो जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था एक और चीज यहाँ पे एड कर लो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसराइल में एक कम्युनिटी है कि बस आप इतना ही याद रखो कि अगर रखो कि तो आप याद रखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा तो वो इसी बेसिस पे चल रही है किस बेस पे 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 एडवांस्ड कम्युनिज्म बेसिस वहां प्राइवेट ओनरशिप वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वो कम्युनिटी कहां पे है कि में ठीक है तो वो काफी कम ही लोग हैं ऑल दो इसके भी काफी क्रिटिसिज्म है पर आपको डिटेल में नहीं जाना बस आप नाम याद रखो हु गेव अ ट्रिनिटेरियन व्यू ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है डेविसन मोरे तो नहीं है क्योंकि इन्होंने फंक्शनलिस्ट व्यू दिया था तो इन्होंने कोई ट्रिनेटेरियन ट्रिनेटेरियन क्या हुआ थ्री जिसमें कोई तीन चीजें होंगी तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली डेविसन मोरे ने नहीं कहा था मेलवन ट्यूमन ने भी नहीं क्योंकि इन्होंने क्या कहा था इसकी क्रिटिसिज्म की बात की थी कार्ल मार्क्स तो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो क्लासेस की बात की थी तो इसमें आपके आते हैं मैक्स वेबर जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया इन्होंने क्या कहा था क्लास स्टेटस एंड पार्टी इस तीन बेसिस पे क्लास सोशल सर्टिफिकेशन को डिवाइड किया था मैच uh, जो कास्ट है इसमें से किस चीज की बेसिस पे होती है क्या वो इकोनॉमिक बेसिस पे होती है नहीं इकोनॉमिक बेसिस पे क्या होता है आपका क्लास ठीक है आप क्लास कैसे इंक्रीज कर सकते हो अच्छी एजुकेशन से अच्छा कमाने से ठीक है सोसाइटी में अच्छा नाम अपना बनाने से तो वो सारी चीजें बेसिकली कहाँ से आती हैं अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी आप लो क्लास से हाई क्लास आराम से ट्रांसफर हो सकते हो तो इकोनॉमिक बेसिस है क्लास का यूजली इकोनॉमी के बेसिस पे ही हाई क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास ये कैसे डिटर्मिन होता है आपके इकोनॉमी पे ही एंड क्या इसमें से देखो अच्छा हम कास्ट देख रहे हैं कास्ट इकोनॉमिक बेसिस नहीं है क्या कास्ट पर्टिकुलर है या कास्ट यूनिवर्सल है क्लास पर्टिकुलर है क्योंकि इट इज यूनिक टू इंडियन सोसाइटी ओनली ये पेक्यूलर फीचर है इंडियन सोसाइटी का तो ये पर्टिकुलर इसको बोल सकते हैं डिवाइन ऑरिजिन हाँ कास्ट का आपको डिवाइन ऑरिजिन मिलेगा इसको रिलीजन सेंक्शन मिला है वो हम अभी देखेंगे पहले हम ये देख लेते दे, हैं को, को तो का क्या आ गया आपका पर्टिक्युलर है सेकेंड एंड थर्ड डिवाइन ऑरिजिन है बी क्लास का क्या आ गया एक तो इकोनॉमिक बेसिस एंड यूनिवर्सल है तो हमारा ये किसमें है बी हो गया आपका सेकेंड थर्ड बी हो गया आपका सेकेंड थर्ड नहीं बी आपका सेकेंड थर्ड नहीं है बी आपका फर्स्ट एंड फोर्थ है मैं उल्टा देखी हूँ तो बी हो गया आपका फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ए हो गया आपका सेकेंड एंड थर्ड तो इसका आंसर क्या होगा बी एंड सी इसका आंसर है बी बी एंड सी ठीक है अब देखो डिवाइन ऑरिजिन कैसे मिला था ये इनके बुक्स मेंशन में था कास्ट सिस्टम हिंदू बुक्स में ये किस में मैंशन है ये मैंशनड है टेंथ मंडला ऑफ ऋग्वेद में मेंशन है उस हिम का नाम है पुरुषुक्ता हिम ये मेरे नोट्स पे है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे और लेक्चर में भी मैंने बोला है पर जस्टिन के साथ पहली बार ये देख रहे हो वीडियो तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है टेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा इन पुरुषुप्ता हिम में, में, में है। वो कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जो थे उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया था फिर जो उनके सर से निकले थे वो ब्राह्मण्स थे उनके हेड वाले ब्राह्मण थे उनके आर्म्स से जो निकले थे वो क्षेत्रियास थे उनके थाइज से जो निकले थे वो वेश थे वेशवास भी उनको बोलते हैं एंड उनके फीट से जो निकले वो शूद्रास थे ठीक है तो ब्राह्मण बेसिकली कौन सा काम करते हैं आपके पुजारी प्रीस्ट वगैरह क्षेत्रियाज आपकी वॉरियर क्लास हो गई से राजपूत जो फाइटिंग वगैरह करते थे वेशियाज आपके मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हो गए आपके बिजनेस क्लास एंड शूद्रास हो गए जो इन सब को सर्व करते थे अपर थ्री कास्ट को तो वो सारे काम जो कम समझे जाते थे लो मीनियल जॉब्स वो कौन करते थे शूद्रास तो इसको रेलिजियस सेंशन था आपको ये याद रखना है कि पहले ये चीज जो थी ये इतनी रिजिड नहीं थी और इतनी हाई का स्ट्रॉन्ग नहीं थी एंड इन चीजों को बस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्युपेशन डिवाइड किया जाता था कि किसका क्या काम है उसको सुपीरियोरिटी एंड इनफीरियोरिटी पहले नहीं समझा जाता था लेकिन जब टूवर्ड्स हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तब इसको क्या हो गया स्ट्रक्चर को कि इसको सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी वो सारी चीजें जो इसमें ऐड हो गई कि बिल्कुल किसी को आउट मतलब ट्रीट करना वैसे गलत तरीके से ट्रीट करना शूद्र के हाथ से पानी नहीं लेना वो सारी चीजें वो टूवर्ड्स वैदिक एज आ गई थी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था इसको सिर्फ ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑक्यूपेशनल हायर समझा जाता था कि काम के बेसिस पे चार क्लासेस हैं कि कौन सी क्लास क्या काम करेगी और इसमें जो मोबिलिटी है उस टाइम पे

रैंक तो इन आपको बताया और भी आप पहले ही और ये नाम सुने होते हैं तो अगर आप ब्राह्मण को सेकेंड फर्स्ट रख रहे हो ब्राह्मण्स तो पहले आपको पता होगा कि सारे ऑप्शन ब्राह्मण टॉप पे है मतलब इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते आंसर को फिर आपने शुद्रास को सेकेंड पे रखा है यहाँ से आप सीधे इसको एलिमिनेट करोगे शूद्रा को इसमें थर्ड पे है सीधे एलिमिनेट करोगे ठीक है फिर यहाँ पे दो पॉइंट्स आपके बचते हैं जो थोड़ा फिर आपके नॉलेज बेस्ड आपको इन पे सोच के इसको देखना है कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा has spoken of three major types of in अब देखो सुरुकिन ने कौन सी आपको ये दी है स्टार्टिफिकेशन uh, कौन सा दिया है पहले मैं इसका आंसर ही देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ इसका आंसर है डी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशन क्लास अब आप सोच रहे हो गए लेकिन हमने सुरो, किन में सेंसेट आइडियलिस्टिक एंड आइडिएशनल भी पढ़ा है अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो मेरे क्लासेस की तो आपको पता होगा हमने पढ़ा है लेकिन हमने ये कहाँ पढ़ा है हमने ये सोशल एक वो स्क्रीन विजिबल है सारा पे हाँ, लेकिन हमने ये कहाँ पढ़ा है हमने सोशल चेंज में पढ़ा है कि सोसाइटी किस एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है वो स्टेजेस कौन सी हैं और क्यों एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे वो मूव करती है ये उन्हें दिया था साइक्लिकल थियोरी ऑफ सोशल चेंज में तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो उन्होंने तीन क्लासेस दी थी अपनी थ्री मेजर टाइप ऑफ क्लासेस सोशल स्टार्टिफिकेशन को लेके वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल क्लास थी ठीक है और जो सेंसेट आइडियलिस्टिक एंड आइडियेशनल वाला कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिकल थियोरी ऑफ सोशल चेंज है उनकी वोट मोर गेव स्टार्टिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास तो इन्होंने कौन कौन सी दी थी इन्होंने ये वाली दी थी अपर क्लास मिडिल क्लास वर्किंग क्लास एंड पेजेंट्री ठीक है अब इसमें आप फिर से थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे हो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्लेवरी सिस्टम एस्टेट सिस्टम कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है एंड आप कितना ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो वो चीज यहाँ पे काम आएगी मैंने आपको उस क्वेश्चन में बोला था इन्होंने आपको सोसाइटी को कैसे स्ट्रेटिफाई किया था पूरी सोसाइटी की स्ट्रेटिफिकेशन थी ये और यहाँ पे स्ट्रटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ क्लास है कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है डिस्टिंग्विश किया है कि हम स्टार्टिफिकेशन सिर्फ क्लास के बेसिस पे कौन कौन सी क्लासेस आएंगी लेकिन जो हमने ऊपर स्टार्टिफिकेशन पढ़ी जो टीबी वोडोमोर ने दी है वो है पूरी सोसाइटी की स्टार्टिफिकेशन और उस पूरी सर्टिफिकेशन में एक पार्ट है क्लास जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो अपर क्लास मिडिल क्लास वर्किंग क्लास और प्रेजेंट्री में अब देखो ये एमसीक्यू किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपका इसमें सारा चैप्टर ही कवर हो गया है वट आर द्री डायमेंटिकेशन एज रेफ बाई वेबर ये हमने बार बार बताया तो क्या हो सकता है इसका आंसर ये भी सोचो क्लास कास्ट कास्ट एंड की बात इन्होंने नहीं करी थी ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल तो ऑक्यूपेशन हायरकी ये भी इन्होंने कहीं नहीं करा था कहा था क्लास एथनिसिटी एंड जेंडर तो एथनिसिटी एंड जेंडर की बात इन्होंने नहीं की थी अब पावर प्रेस्टीज एंड प्रॉपर्टी आप सोचोगे इन्होंने कौन सी क्लासेस दी थी क्लास स्टेटस एंड पार्टी ठीक है तो आपको बोलने किन तीन डायमेंशन पे वो बेस्ड है तो क्लास कहीं ना कहीं आप किस पे बेस कर सकते हो इसमें आपके प्रॉपर्टी पे क्योंकि क्लास में क्या आता है आपकी मार्केट सिचुएशन तो मैंने कहा था जो इनकम वाला पार्ट है वो किसमें आएगा आपके क्लास में प्रेस्टीज सोशल प्रेस्टीज एंड सोशल एस्टीम वो किसके साथ रिलेट होता है किसका डायमेंशन है वो स्टेटस का एंड पावर पार्टी तो पार्टी बेसिकली क्या है आपका यहाँ से आपका पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है तो पावर कहाँ से आप डिराइव कर सकते हो अपने पॉलिटिकल ऑर्डर से ठीक है तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको थोड़ा ऐसे घुमा के आता है जिसमें आपको सोचना पड़े

सेंटर है आपको वो देखना है जो बेसिक की पॉइंट है उनका कार्ल मार्क्स का स्टार्टिफिकेशन को लेके आपको वो देखना है इन्होंने अपनी जो थियरीज है उसमें फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात भी की डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात भी की है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो लेकिन आपको इसमें सेंट्रल पॉइंट देखना है तो सेंट्रल पॉइंट मैंने आपको बार बार कहा इनकी स्टार्टिफिकेशन का इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे ही हमें दो क्लासेस दी थी तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉर्म ऑफ स्पेशल इन इक्वालिटी ये किसने कहा था ये आपको कहा था लुई डुमोन ने हु इंट्रोड्यूस द्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी रिलेटेड लुई डुमोन का कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने अपनी बुक होमोहरकि बताया था ठीक एंड हु बुक एनहेलेशन ऑफ कास्ट एनहेलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखी है बी आर अम्बेदकर ने ठीक है तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका स्टार्टिफिकेशन चैप्टर जिसको मेरा ये एमसीक्यू सेशन पसंद आया तो वो जरूर जाके मेरे वीडियोस देखना और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो यहाँ अगर रह गए होंगे या कुछ और ट्रिटबिट्स आपको उस चैप्टर से वहां पता चलेंगी तो ये था आपका एमसीक्यू सेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोशल स्टार्टिफिकेशन का नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेशन में हम इसका थर्ड चैप्टर जो है वो आ, उस पर वीडियो में लेके आऊंगी सो टिल द टाइम है आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय बाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे